नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रिहायशी इलाके में अजगर निकलने से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। मामला सेक्टर 64 से लगते मकानों का है, जहां पर देर रात लगभग 7 फुट लंबा अजगर घर के अंदर से होता हुआ बाथरूम की टोटी के ऊपर जा चढ़ा और जैसे ही घर में रहने वाले लोगों ने इस अजगर को बाथरूम में देखा तो तुरंत इसकी जानकारी आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में दी गई। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने वाइल्ड लाइफ की टीमों को मौके पर बुलाया और अजगर को रेस्क्यू कर उसे अरावली की पहाड़ियों पर भेजा गया। आपको बता दें कि सेक्टर 64 के साथ से आगरा कैनाल निकलती है, जिसमें अक्सर इस तरह के जीव जंतु निकल आते हैं, लेकिन घर के अंदर अजगर निकलने का ये पहला मामला सामने आया है। इसके बाद वहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे वाइल्ड लाइफ की टीम के सदस्यों ने बताया कि अजगर लगभग 7 से 8 फुट लंबा है और रिहायशी इलाकों में इस तरीके से अजगर निकलना कहीं न कहीं छोटे बच्चों और पालतू जानवरों के लिए घातक साबित हो सकता था, लेकिन समय रहते ही इस अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया और इसके बाद इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बताया कि उन्हें 112 से कॉल आया था कि एक घर के अंदर विशाल अजगर मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने वाइल्ड लाइफ टीम को इसकी जानकारी दी और वाइल्ड लाइफ टीम ने इस अजगर को रेस्क्यू कर एक बड़े खतरे से स्थानीय लोगों को बचा लिया। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। हाँ मलिक साहब, कहाँ से आए आप और क्या सूचना मिली थी आपको अजगर का रेस्क्यू किया आपने? जी, हमारा ऑफिस फरीदाबाद सेक्टर 17 के पास है जी, बाईपास रोड पे। और अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी जी, किसी घर में अजगर है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम जी तुरंत एक्शन लिया और जी मौके पर देखा और उसको रेस्क्यू कर लिया। कितना लंबा था और कितना घातक हो सकता था ये अगर किसी को अपनी चपेट में ले सकते, क्योंकि रिहायशी एरिया के अंदर निकला है। देखो जी, इसकी लंबाई तो ज्यादा नहीं है, लेकिन तकरीबन 7-8 फुट के करीब है और घर के अंदर था तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट लोगों को थी, दिखाई दे रही थी। और बस यही था कि जी सुरक्षित रखा जी लोगों ने, इसके ज्यादा नजदीक नहीं आए। कितना नुकसान हो सकता था यदि अगर किसी को अपनी चपेट में, अगर कोई बच्चा इसके नजदीक अगर आ जाता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था जी। ठीक। और कुछ जानवर, कुछ कुत्ते वुत्ते बिल्ली, अगर घर में कोई पालतू जीव है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक। इसको रेस्क्यू करके अब क्या किया जाएगा, कहां के कहां प्राकृतिक के उसमें अरावली पहाड़ियों के अंदर छोड़ा जाएगा जी और अच्छे से जांच होने के बाद। सुंदर जी, क्या जानकारी मिली थी आपको अजगर रेस्क्यू किया है? आज मैं ड्यूटी अफसर आदर्श नगर थाने में तैनात हूँ तो मुझे कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई कि अपने चंदावली सरकारी स्कूल के पीछे एक अजगर या सांप, बड़ा सांप घर के अंदर निकला है। ये सूचना पर पहले ही 112 ईआरवी पहुंच चुकी थी, उसके तुरंत बाद ही मैं वहां पे पहुंचा और वहां जाके देखा तो एक जो बाथरूम है घर के अंदर, उसके अंदर टूटियों पे एक अजगर टाइप का, जानकारी मुझे भी नहीं है सांपों के बारे में, और वहां पे लिपटा हुआ मिला। तो मैंने तुरंत ही अपने कंट्रोल रूम से अफसरों से सूचना प्राप्त करके रेस्क्यू टीम का नंबर प्राप्त किया और उसको तुरंत मौके पे आने के लिए बोला, तो तुरंत ही रेस्क्यू टीम मौके पे आई है जिसने ये रेस्क्यू किया है और सांप को पकड़ लिया है। ठीक। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।